सिग्नल मिल गया और लोग देखो किस तरीके से अंदर जा रहे हैं। अब ये पैसे उठा लो, पैसे, हेलो पैसे, ये देखो भाई सारा खाना पीना फेंक रहे अपना। ओए होए भाई क्या हाल हो रखा, देखो कितने लोग हैं। पता है बिहार की ट्रेनों में सिग्नल मिल गया पर लोग अंदर नहीं जा पा रहे। फिलहाल वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है डे टू में जबलपुर रेलवे स्टेशन से। इसका स्टेशन कोड है JBP। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और एक दिन में यहाँ पर 173 से भी ज़्यादा ट्रेन अप डाउन होती है और 29 ट्रेन यहाँ से बनकर चलती है। और मैं आपको बता दूँ, आप सफ़र में कभी भी जाते हो तो अपने साथ फ्रूट यानी एप्पल या फिर बनाना वगैरह अपने साथ रखें, जिससे आपको प्रॉब्लम खाने पीने की ना हो। और उसी के अलावा अगर आप जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आते हो तो आपको यहाँ पर फ्री वाईफाई तेज वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई, वो बंदा टॉयलेट कर रहा है और मार्गदर्शन भी कर रहा है, कह रहे मतलब ये टॉयलेट करो और बाहर इधर उधर देखते भी रहो, पूरा टाइम पास हो रहा टॉयलेट करते करते। तो भाई भीड़ ज़्यादा होने के चक्कर में अपने कोच में तो चढ़ नहीं पाए, एकदम से ट्रेन चल दी, पर बाकी ये है थर्ड एसी में चढ़ गए पर अंदर अंदर से निकल जाएंगे। बाकी निकल गए जबलपुर रेलवे स्टेशन से। ये है जबलपुर, वो बंदा कैसे बोल रहा है, मैंने खा के इस बंदे ने थूकी, अभी तूने थूकी है ना, तेरे थूकी मेरे सामने, अभी ये तूने थूका है आकर, अभी वीडियो बनी हुई तूने थूका है, ये अभी दिखा रहा तू, नहीं थूका तूने, हटियो अभी उतरवाऊंगा, तूने नहीं थूका, ये तू गाएगी नहीं, तू का भी आकर आकर, तू आकर मुंह खोल, तूने नहीं खाया ये, नहीं यार हमने खाया, ये गंदा कौन कर रहा है फिर, ये मैं तेरे को देखा तू वहाँ पे खा के थूक रहा है, ये गंदा कर रहा है, मुंह खोल आकर, यो खा रहा है गुटखा, ये कौन थूक रहा है, खा रहे तुम गुटखा, नहीं खा रहे, इसने थूका मेरे सामने भी, नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया, तूने नहीं थूका भी, नहीं। और मैंने तो को देखा वहाँ पे, ये गंदगी मत करो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, हम नहीं थूका, खा खा कर फेंका है, आ करियो, आ करो, तुम भी आ करो, आ करो जरा, गुटखा कौन खा रहा है यहाँ पे, हैं? बेटा देख लूंगा तो छोड़ूंगा नहीं फिर, ये भी अभी गंदा हो रहा है, इसी चक्कर में बोल रहा था ना अभी, बढ़िया आगे बढ़िया, और रटी हटिया जरा कौन खा रहा है यहाँ पे, आकर भाई आकर, ये वहाँ से वो भी तो खा ही रहा है, वहाँ पीछे नहीं खा रहा है, वो मना कर रहा है, मना कर रहा है, आकर यो आकर, आ खा रहे गुटखा तुम, खा रहा आकर, यो क्या खा रहा है, गुटखा क्यों खा रहा है, कौन है मैनेजर है तुम्हारा, मैनेजर है, PL है वहाँ पे, क्या है तुम्हारा बड़ा, ये गुटखा खा रहा है, मना कर रहा, पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस
चढ़ा लियो रे, एक सवारी चढ़ा लो, ठीक है। अब दुआ दे दियो, जाओ चढ़ जाओ, कोई बात नहीं, चढ़ा ले भाई है। ये इनको हॉस्पिटल जाना है, कोई इनका हॉस्पिटल में भर्ती है। अब सामने ट्रेन खड़ी है जयनगर से मुंबई कुर्ला पवन एक्सप्रेस, दोनों ही टार से जा रही हैं। बस फर्क ये है कि ये जाएगी पहले या वो जाएगी पहले, ये जाएगी पहले, पक्की बात है, देखते भाई। चल दी भाई हमारी ट्रेन, पवन खड़ी रह गई, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस। एक रोटी ऐसे ही बनती है ना, बेचारे देख रहे हो इस तरीके, नहीं बस खाओ, आपने इतना पूछा। और आज लोगों के घर में चूल्हों पे बनती है, और यहाँ देखो आप तीन ईंटों पे लकड़ी लगा करके और पतीले में रोटी बना रहे हो ना, बताओ यार। और सामने ट्रेन खड़ी हुई है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जो कर रहा है उससे वो जानता है ना। आ गई वहाँ से पवन एक्सप्रेस, बड़ी तेज़ी से आ रही है। ओए भाई हेलो, ये देखो भाई पवन एक्सप्रेस हेडलाइट जलाते हुए, एक और आ गई। एक और आ गई भाई, आ गए इंडिया के सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले टॉप 10 में से। 8वें नंबर पर आता है हमारा इटारसी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है, ट्रैक हैं 15 और 420 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर अप डाउन होती है। और मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर ट्रेनों का यहाँ पर लोको पायलट यानी ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं वो भी चेंज होते हैं। बता दीजिए कितने सारे लोग क्या नाम है खाना ले रहे हैं किस तरीके से ओवरलोड। पर मैं आपको बोलूँगा अगर आपको खाना मंगवाना है ऑनलाइन मंगवा लो आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट IRCTC के फूड ऑन ट्रैक से। देखो भाई पता नहीं क्या क्या ले लिया भाई ने, ये क्या डाल दिया, ये क्या डाला, पालक है, पालक पालक काट रखी है। इस तरीके का मेरा लगता है जब बिहार की ट्रेन कई बार पहुँचती है सारी सवारी एक ही बार में नीचे हो जाती है, और देखो सारे के सारे खाने पीने में लेने में मस्त हैं, इतनी भीड़ लगी पड़ी है भाई।
सारा खाना बिक गया बंदे का सारा ए टू जेड। फटाफट फटाफट सिग्नल मिल गया और लोग देखो किस तरीके से अंदर जा रहे हैं। अब ये पैसे उठा लो पैसे, हेलो पैसे, ये देखो भाई सारा खाना पीना फेंक रहे हैं अपना। ओए होए भाई क्या हाल हो रखा, देखो कितने लोग हैं किस तरह, वो भाई क्या करेंगे, गाड़ी स्पीड भी पकड़ रही है, देखो इस तरीके से लोग घुस रहे हैं अंदर, अभी भी जा नहीं पा रहे, दोनों गेट पे यही हाल है। अब भाई जा अंदर जल्दी जा, ये देखो ये होता है बिहार की ट्रेनों में, सिग्नल मिल गया पर लोग अंदर नहीं जा पा रहे, ओवरलोड है भीड़ अभी भी, देखो देख रहे हो किस तरीके से भाई साहब अंदर, ये तो रह जाएगा। सब लोगों ने खाना पीना सब फेंक दिया भाई, क्योंकि ट्रेन में सिग्नल मिल गया एकदम से और लोग भाई खाना पीना हाथ में लेकर के घुस गए अंदर, एकदम से हंगामा हो गया बहुत तगड़ा वाला, इसे कहते हैं जलवा। देखो अंदर का क्या हाल है, खाना पीना सब कुछ तहस महस हो गया है ना, इस सब बर्बाद हो जाता भाई अभी तक सारा का सारा। यार कुछ लोगों ने तो समझो आधी रोटी खाई और ट्रेन को सिग्नल मिल गया वो भी सारी की सारी नीचे फेंक दी, क्योंकि अपने आप को ट्रेन के अंदर चढ़ाना या फिर खाने को चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। बाकी निकल गए इटारसी रेलवे स्टेशन से, क्या गिर गया, क्या गिर गया भैया, क्या गिर गया, टिकट और पैसा किसका, टिकट टिकट भी गिर गई और अच्छा और पैसे भी गिर गए, पता यार चलती ट्रेन में ऐसे ही होगा भाई, जल्दबाजी बहुत बेकार है भाई, सोचना चाहिए था। देखिए भाई अगर आप ट्रेन के अंदर 120 रुपए में खाना लेते हो, आप नॉर्मल सी बात है ट्रेन के अंदर 80 वाली थाली 120 में बेची जाती है, अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप थोड़ा सा दिमाग जरूर चला सकते हो, 120 में मात्र 30 रुपये आपके फालतू लगेंगे और ऐसा खाना मिल जाएगा आपको जानदार बिल्कुल। ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हो इंडियन रेलवे की ऐप से, IRCTC के फूड ऑन ट्रैक से। तो देखो भाई इसमें क्या है, ये है पालक पनीर, ये कड़ी दी है इन्होंने दो पकौड़ों के साथ, ये गुलाब जामुन है और ये है मिक्स वेज, मिक्स वेज भी ठीक ठाक है, और ये पता नहीं टमाटर की चटनी है और ये ग्रीन चटनी है, और ये इन्होंने दिया है सलाद अलग से पैक करके, और क्या क्या दिया है, अचार दिया है, माउथ फ्रेशनर दिया है, और शुगर दिया है, चीनी वगैरह और नमक दिया है। वैसे तो ज़्यादातर ट्रेनों में मैं खुद रिव्यू करता था कि भाई मैं बताता था खाना कैसा है कैसा नहीं है, पर मैंने अपने साथ साथ एक भाई का भी खाना मंगाया है, सच्ची बताइए बिल्कुल झूठ मत बोलिए, खाना खा के दिखा कैसा टेस्ट है दिखने में, तू एक बार खा के दिखा मेरी छोड़, चावल और वो खा के दिखा, सब्जी खा के टेस्ट बता दे, चावल तो बोले मैं सब्जी खा, सब्जी सब चम्मच से खाए कैसा है, और ये कड़ी खा के देखो ये बताओ, सब्जी चाट लो ना अब बताओ कैसा है, झूठ मत बोलना बिल्कुल, कड़ी कैसी है, अच्छी है कड़ी अच्छी है, और ये लाल वाली चटनी जो तो रखी हुई है ये वाली, ये खा के दिखाओ, हाँ ये दिखाओ कैसी है, कैसा है, दस में से कितने नंबर देना चाहोगे आप, दस में से नौ, एक नंबर क्यों काट दिया, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसलिए एक नंबर कट गया। ये भाई जो है मैंने दूसरे बंदों से रिव्यू पूछा है, अपने आप से नहीं बता रहा है, कहीं ख़राब चीज़ों में सही बोल दूँ ऐसा नहीं है, ये भाई ने जेन्युइन खाया है इसलिए इन्होंने आपको सच्चाई बताई है। जब ही कहते हैं 120 का आप नॉर्मल खाना लेते हो 30 रुपये एक्स्ट्रा दो और जेन्युइन खाना ले लो अपनी सीट पर, खाना गर्म है ना तो ऐसे खाना लेना चाहिए, है ना भाई, बिल्कुल भाई खा लो, रोटी भी गर्म है,
ठीक है भाई। ये देखिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं। ऐसी सिचुएशन कभी कभी होती है, जैसे कि देखो कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। कहीं पर सत्संग होता है, उस तरीके से लोग बैठे पड़े हैं, सारे अपने सफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी मंजिल आ जाए और हम उतर जाएं। कोई बैठा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ है, जिसके पास सीट नहीं है वो बेचारा ट्रेन के फर्श पे बैठ गया। ये देखो क्या कमी इन बंदों की। फिलहाल आ गए इंडिया के ऑरेंज सिटी नागपुर में, आप सभी का स्वागत है, महाराष्ट्र मध्य तुमचा स्वागत आए। मैं आपको बता दूं, अगर आप नागपुर कभी भी आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, आपको टेकरी गणेश जी हैं, उनके दर्शन जरूर करना भाई। बहुत बहुत सेलिब्रिटी आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। उसके बाद जस्ट ये पुल होगा नागपुर का सबसे बड़ा, आगे बढ़ोगे जस्ट आधी किलोमीटर, वहाँ पर आपको इंडियन रेलवे का डायमंड क्रॉसिंग देखने को मिलेगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाओ सीधे और इंडियन रेलवे का डायमंड क्रॉसिंग देख के आना, बहुत ही अलग ही लेवल का बनाया है इंडियन रेलवे ने। और हाँ, नागपुर आते हो तो भाई ये मत सोचना कि मैं कहाँ पर रुकूँगा क्या करूँगा, आप जस्ट एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना और वहाँ पर इंडियन रेलवे का डोरमेट्री रूम है, मात्र आपको 100-120 रुपये में 24 घंटे के लिए आप आराम से रुक सकते हो, विदाउट टेंशन फ्री 24 घंटे के लिए। भाई बहुत बड़ी बात है, आप 100-150 रुपये में 120 में 24 घंटे नागपुर जैसी सिटी में रुक सकते हो। और उसी के बाहर आप जाओगे तो आपको हल्दीराम का रेस्टोरेंट मिलेगा, और हल्दीराम जी जो हैं वो यहाँ के थे, और नागपुर की फेमस ऑरेंज बर्फ़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है नागपुर ऑरेंज बर्फ़ी। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है, ट्रैक हैं 13। भाई ये पर जो पार्ट 1 है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो भाई मैं अब आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसका डिपार्चर दिखाता हूँ और आपको मिलता हूँ पार्ट 2 में। तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट, मिलते हैं पार्ट 2 में। और हाँ, कुछ भी गलती हो गई हो इस पार्ट 1 में तो कान पकड़ के लिए आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। और यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो एक बार जय गणेश जी जरूर बोलना, गणेश भगवान का अभी सीज़न चल रहा है तो इसलिए एक बार जय गणपति जी जरूर बोलना अगर आप हिंदू धर्म से हो। बाकी दिखाते हैं इसका डिपार्चर, और लोग पानी वगैरह खूब ले रहे हैं, धड़का धड़का, यहाँ पर कोई नल नहीं है, यहाँ पर कोई नल नहीं है। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है वो पार्ट 2 जरूर देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पार्ट 2 का अलग ही लेवल आएगा मॉर्निंग से। लाल निकल गए, ऑरेंज सिटी है ना नागपुर तेरा वाला, ये देखो भाई सारे के सारे नागपुर ऑरेंज बर्फी है। अब क्या बोले खाना अंकल जी, खराब खाना है मतलब सुबह का खाना जो है
शाम को बेच रहे हैं, गलत बात है। देखो सारी बोतलें पलट दी बंदे ने भरने के लिए, वाह भाई वाह। आज का वीडियो यहीं तक एंड।